नमस्कार दोस्तों भगवान आप सभी का भलह कर और आपकी सारी इच्छाएँ मनोकामनाएँ पूरी हूँ दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूँगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का आंसर दिया जाएगा तो पहला प्रश्न ये है कि मैरिज कब तक तो होगा लव या अरेंज किस तरह के कॉम्बिनेशनस हैं पार्टनर कहाँ से होंगे तो यहाँ पर लेटर क्या रहेगा पार्टनर का ये पार्म से नहीं देखा जा सकता है लेकिन मेरिड लाइफ कैसे रहेगी ये सरलता से दिख सकता है तो यहाँ पर लाइफ लाइन के पैरल जो सपोर्टिव लाइन आपकी ये आ रही है यही आपके पार्टनर से मिलने वाले आपके लक को सपोर्ट को और लाइफ को बहुत ज़्यादा ही अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है एक ये कॉम्बिनेशन हो गया और मून से आने वाली एक लक लाइन हो गई ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो कन्फर्मेशन देते हैं कि मेरेड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी या सक्सेस आफ्टर मैरिज ही रहेगा क्योंकि लाइफ लाइन के पैरल चलने वाली सपोर्टिव लाइन को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं जो अपनों दूसरों से मिलने वाले सपोर्ट को मेजरली पार्टनर से मिलने वाले लक को ही रिप्रेजेंट करता है और मून लक लाइन इस बात का कन्फर्मेशन देता है कि मन लायक पार्टनर रहेंगे या मन की खुशी या संतुष्टि बढ़ेगी शादी के बाद में जिसके कारण कहते हैं कि कंफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा लाइफ में तो यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांसेस आपके ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि जुपिटर के ऊपर आड़ी रेखा है तो मदर फादर या आपसे बड़ों के आशीर्वाद के बदौलत मैरिज होता है यानी उनके सजेशन सपोर्ट से मैरिज होता है तो यहाँ पर जो आपकी सपोर्टिव लाइन इतनी प्रोमिनंटली एक्टिव है वो थर्टी थ्री के एज में एक्टिव है तो यानी नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट ईयर मिड तो वो उस तक आते आते तक आपकी मैरिज की संभावनाएं पूरी है और जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पर जब डबल लक लाइन यहाँ पर मर्ज होती है तो पार्टनर भी अर्निंग करते हुए सिक्सटी परसेंट केसेज में देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन पार्टनर का आपके मैरिज के बाद में डेवलप हो सकता है इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी क्वेरी है कि आपका लाइफ स्पेन कैसा रहेगा हेल्थ मेंटल फिजिकल और ओवरऑल जो लक है या आपके रिलेशन सब हैं वो सब कैसे रहेंगे तो देखिए जब इतनी प्रोमिनेंटली सपोर्टिव लाइन चलती है तो सपोर्ट तो आपको अपनों से क्या दूसरों से इतना अच्छा मिल जाएगा कि आप कभी सोचे नहीं होंगे क्योंकि ये रेखा प्रकृति के द्वारा सपोर्ट दिलवाती है तो जितने भी सीनियर हैं फ्रेंड है कलीग है सोसाइटी है सभी से रिलेशन अच्छे रहेंगे सभी से सपोर्ट मिलेगा इवन आप भी उनका सपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि मून लक आपके पाम में है तो आप जैसे जातकों के द्वारा भी बहुत लोगों का भला हो जाता है और जितना भी आपका ग्रोथ है सब बर्थ प्लेस से दूरी है इसीलिए लाइफ लाइन बाहर जा रही है इसीलिए चंद्र की भाग्य रेखा डेवलप है और इसीलिए आपका जो जुपिटर का एरिया है लक के बिहाफ में वो भी डेवलप होता दिखाई दे रहा है तो ये सारे कॉम्बिनेशन पावर पोजीशन और फॉरेन सेटलमेंट के कन्फर्मेशन दे देते हैं तो फॉरेन सेटलमेंट भी व्यक्ति का क्यों ही होगा दो कंडीशन में एक तो जॉब के कारण दूसरा मर्जी के कारण मर्जी कब आती है जब बहुत अच्छा अपनापन महसूस होता है जब बाहर की सारी वाइब्स अच्छ, अच्छी लगने लगती है तो वो सारी चीज़ें आपके साथ रहेगी इसलिए आपका लाइफ स्पेन अच्छा है हेल्थ और मेंटल फिजिकल हेल्थ भी इन्हीं सब कारणों से अच्छा है क्योंकि आप थोड़े एक्सप्लोरिंग पर्सनलिटी के इंसान हैं तो हमेशा अपने लाइफ को बेटर करना एक्सप्लोर करना एडवेंचरस रखना क्यूरियसिटी रखना ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी आपको आपके लाइफ को सुधारने में या नए नए इवेंट्स होने में या मेंटल पीस सेटिस्फैक्शन या लक के इन्हेंसमेंट में तो ये कॉम्बिनेशन ही है जिसके कारण अब जो है मनी ट्रेंगर का कॉम्बिनेशन आपके पाम में डेवलप होता हमको दिखाई दे रहा है अगर ये लाइन प्रोमिनेंट हो गई तो फिर तो इतना पैसा अच्छा खासा आपके पास आ जाएगा कि कभी भी आपको चिंता करने की या जॉब के विषय में भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहां पर अब तीसरा जो क्वेरी है वो है जॉब के रिगार्डिंग कि ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा कि किस तरीके से जॉब की कंडीशन ओवरऑल रहेगी तो सूर्य के क्षेत्र पर एक्चुअल में आपका क्रॉस का साइन आ रहा है तो जॉब में अनसेटिस्फेक्शन आएगा आपको इनसिक्योरिटी की भावना भी आएगी क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं पैसा बहुत बढ़ जाएगा शादी के बाद में पैसा बढ़ जाएगा सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी और फिर वहाँ पर अगर आपको सेक्रीफाइस करने के लिए कहा गया यानी जॉब में कि बार बार आप अपने जगह को चेंज करिए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको आ सकता है तो यहाँ पर सन रेमेडी आप करिए इस सन रेमेडी से ये रहेगा कि आपके जॉब में जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होना उसके जगह पर प्रमोशन होना शुरू होगा जहाँ पर सीनियर्स से सोच रहे हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा वहाँ पर वो लोग उल्टा आ, सामने से आकर सपोर्ट करेंगे या आप उनके सीनियर हो जाएंगे और अपने नॉलेज स्किल्स पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे विजन बहुत अच्छा क्लियर हो पाएगा और कॉन्फिडेंस क्लैरिटी ये सारी चीज़ें भी बढ़ सकेगी तो ये रेमेडी करिए ये रेमेडी अगर नहीं करते हैं तो इन सिक्योरिटी की भावना अनसर्टेनिटीज़ रिलेशन्स में ट्रबल और इवन एक तरीके से मेंटल डिस्टरबेंस आपको आ सकता है करियर के रिगार्डिंग इसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स की जहाँ तक बारी है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका जो मरकरी माउंट है वो डेवलप तो ठीक है मरकरी फिंगर हल्का सा शॉर्ट पड़ रहा है और मरकरी पर आड़ी रेखाएं भी है सन पे भी आड़ी रेखाएं हैं सैटन पर एक नहीं है और जुपिटर पे भी आड़ी रेखाएँ आड़ी रेखाएं लॉसेस को या नेगेटिव एनर्जीज को दर्शाती है तो जब सेटन के ऊपर आड़ी रेखा नहीं होती है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह के काम या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम से लाभ बहुत मिल जाता है तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में और कंस्ट्रक्शंस में लैंड में कर सकते हैं प्रॉपर्टीज किसी भी तरह से लेने में कर सकते हैं वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इमिजिएटली बाय भी कर सकते हैं चीज़ों को और इमीजिएटली सेल भी कर पाने में आप वहां सक्षम रहेंगे इसके बाद में आपका जहां तक बात करें फॉरेन प्लेसेस विजिट करने का या फॉरन का तो आपका विजिट नहीं करना है आपका फॉरन सेटलमेंट ही है और फॉरन सेटलमेंट आपका मोस्ट प्रोबेबली जो हो जाएगा यहाँ पर ये यह जो मर्ज हो रही है ये हो रही है थर्टी सेवन के एज में तो थर्टी सेवन के एज तक आते आते, आते आपका फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा या मोस्ट प्रोबेबली बर्थ प्लेस से दूर अच्छा घर अच्छा जीवन या अच्छा काम का संभालने की योग्यता वहां तक मौजूद हो जाएगी तो फॉरेन सेटलमेंट का मतलब यही नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ के सात समुद्र पार जाकर जी रहे हैं पामिस्ट्री में फॉरन का तात्पर्य दूसरा राज्य होता है दूसरा शहर भी होता है तो इस कंडीशन में फॉरन मतलब वो जहां पर जीरो से शुरुआत कर रहे हैं लेकिन लाइफ सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस वे में ही रन हो रही है प्रॉब्लम नहीं आ रही है डिक्लाइन नहीं हो रहे हैं किसी भी तरह से तो वो सारी चीजें आपको थर्टी सेवन के इस तक आते आते हो जाएगी और जहाँ तक रही सात समुंदर पार जाने की बात तो उसके रिगार्डिंग देखिए बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन आपके पाम में आ रहा है ये वाला ये जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं स्टार का ये कॉम्बिनेशन लाइफ लाइन के एंड में बन रहा है यानी आप जितना सोचे होंगे उससे कहीं गुना ज्यादा कंट्री विजिट आप कर पाएंगे अपने जीवन में सिक्सटी फाइव के एज तक आते आते या उसके पहले तक में और एक और कॉम्बिनेशन है ये जो लाइन चल रही है इसे मार्स लाइन कहते हैं ये मार्स लाइन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी देती है नेगेटिव ऐसा कि आपको एग्रेशन बहुत खराब दे देगी ये और हर बड़ी बेचैनी एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन में बहुत गलत काम भी कर सकते हैं यह ये रेखा मेनली फ्रस्ट्रेशन के कारण प्रॉब्लम्स देती है घर में किसी मेल मेंबर के द्वारा रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकता है या प्रॉपर्टी इश्यूज भी इस कंडीशन में आ सकते हैं लेकिन इस रेखा की सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली है वो ये है कि ये हिम्मत बहुत बढ़ाती है व्यक्ति के जीवन में जब जब नुकसान तकलीफ परेशानी आती है और बरकत उन्नति हो जाती है जब जब आप जैसे जातकों को कोई को, को ट्रिगर करता है या कम आंकता है या बेजती करता है या एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आप उसके बदले बदला नहीं रह रहे, रहे, रहे हैं तो कुछ समय बाद यह होता है कि ये रेखा इतनी बेहतरीन पावर दे देती है पे, कि जो दे रहा, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है आपकी प्रोग्रेस देख करके तो बाकी फॉर्मेशन भी अच्छा है लेकिन अगर फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन इरिटेशन को कंट्रोल कर लिया तो ये रेखा राजा बना देती है तो ये रेखा उन लोगों के हाथ में भी होती है जिनका मल्टी सिटीज का काम होता है या मल्टी पल प्लेसेस में जिनके प्रॉपर्टीज होती है और बड़े स्तर की प्रॉपर्टीज होती है या डील जो है उन सब चीजों में करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन भी आपके पाम में बहुत अच्छा है और अगर आप का जहां तक बात किया जाए कि हॉबी आपको क्या रखनी चाहिए तो देखिए आपका जो लक लाइन है वो मून से कनेक्टेड है और हॉबी तो आपको रखना चाहिए इसलिए भी क्योंकि ये मून जो लक लाइन है ये आपके लक को भी इनहेंस करते रहेगी यानी बढ़ाती रहेगी अगर आप अपने हॉबी को फॉलो करते हैं हॉबी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं ट्रैवलिंग्स के रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी में डीलिंग के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग और सोशल वर्क या सोशल इंगेजमेंट अपना बढ़ाने के रिगार्डिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट करना या हॉबी रखना आपके लिए अच्छा रहेगा अब जैसे सपोर्टिव लाइन ही क्यों है आपके पाम में ये सब सपोर्टिव हार्ट लाइन है और सपोर्टिव हार्ट लाइन क्रिएटिव पर्सनैलिटी बिल्ड करती है तो बहुत सारे काम जिसमें आप अपने क्रिएटिविटी आर्ट का उपयोग दूसरों को शो करने के लिए दूसरों के लिए कर सकें उन सब में भी आपको लाभ है तो वो भी इन सब से किसी में भी आप करेंगे आपको फायदा मिल जाएगा इसके बाद में सेंस अगर इंक्रीज आपको करना है में अगर प्रोग्रेस करना है वैसे आड़ी रेखा जो आ रही है ये जो है आध्यात्मिक रुचि ही देती है योग का साइन भी इंट्यूशन ट्यूशन सेंस ही देता है तो रेगुलर बेस मेडिटेट करना योग प्राणायाम करना किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना जैसे मंदिर विजिट करना या वहां पर श्रम सेवा देना अपने से गरीब या कम जो लोग आपको समझ में आते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहना और इस कंडीशन में गायत्री मंत्र का जाप करना वो कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंटली इंट्यूशन बिल्ड कर देता है और फिर इसके बाद स्पेशल इस कॉम्बिनेशन या लाइन की बात करें तो उसके लिए आपको होल हैंड रीडिंग ही परस्यू करना होगा बाद में इसके हम देखें कि फाइनेंशियल कंडीशन और प्रॉपर्टी के क्या चांसेस रहेंगे सडनली किस तरह के प्रोग्रेस या लॉसेस हो सकते हैं तो लॉसेस तो नहीं होगा आपको आपकी लक लाइन में कंसिस्टेंसी है हार्ट लाइन पे जस्ट ब्रेक कर रही है बाकी इधर से भी ओवरलैप करके आगे बढ़ रही है तो लॉस तो नहीं होगा ये जरूर है कि लेसन मिल सकते हैं आपको आपकी लाइफ में थर्टी में फोर्टी में और थर्टी में भी इवन हल्का सा लेसन लेसन का तात्पर्य सीख जिसके कारण और ज्यादा बरकत उन्नति होना लेकिन लॉसेस नहीं होगा सडन प्रोग्रेस हो सकता है थर्टी फाइव के एज में और इसके बाद में एक फोर्टी वन के एज में भी और बाकी प्रॉपर्टीज़ के द्वारा तो लाभ है ही जो हमको मर्करी लाइन आपकी दिखा ही रही है इसके बाद में अगर नेगेटिव एरियाज या लाइन के बारे में बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ सन ही है फिलहाल के कंडीशन में बाकी कोई इतना नेगेटिव प्रोस्पेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है सन को फिलहाल ठीक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके लाइफ में करियर में अपग्रेडेशन प्रमोशन लक कॉन्फिडेंस गुडविल सक्सेस रिस्पेक्ट और वेल्थ ये सारी चीजें अच्छे से एकुमुलेट हो सके जेम्स की जहां तक बात है तो आपका जुपिटर बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में जा रहा है लक लाइन की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है मून लक लाइन की यानी और शुक्र पे आड़ी रेखाएं ज्यादा है जिसके कारण अननेसेसरीज वरीज ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग कारण और, और परफेक्शन पार्टनर के अंदर ढूंढने के कारण भी डीले बहुत हो रहा है तो वाइट टोपाज यहाँ पर आप पहन सकते हैं सेवन पॉइंट ट्वेंटी फाइव है चांदी में उसको अपने जुपिटर फिंगर मिडिल फिंगर में ले सकते हैं जुपिटर फिंगर अच्छा है इससे आपका मैरिज जल्दी होगा या पार्टनर या फैमिली के रिगार्डिंग या रिलेशन के रिगार्डिंग जो सुख चाहिए प्लेजर के रिगार्डिंग वो आपको मिल पाएगा और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि एक पूरा का पूरा जो माइंड लाइन का ब्रांच है वो सीधे मून पे गया हुआ है और एक माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये कॉम्बिनेशन इमेजिनेशन क्रिएटिविटी आर्ट को बढ़ाता है और एक मून लकलन सीधे सेटन पर रुकी हुई है तो बहुत सारी इच्छाएं पूरी होते होते नहीं होती इस कंडीशन में इसीलिए कंसिस्टेंसी में काम करना विजन क्लियर करना और इमोशनल डिसीजन कम लेना थोड़ा जरूरी है लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसलिए आपको हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर इश्यूज़ नहीं रहेगा शुक्र का डेवलपमेंट अच्छा है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लग्जरीज कम्फर्ट बढ़ता रहेगा और इसका सुख चाहिए तो स्टोन धारण कर सकते हैं शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में शुक्र के होरा में तो इससे आपके जीवन में बहुत सुख बढ़ेगा और शुक्र से रिलेटेड तो बहुत ही सुख बढ़ेगा यानी तमाम तरह के प्लेजर एम्बिशन डिजायर सेटिस्फेक्शन बढ़ना आपका शुरू हो जाएगा तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत बहुत धन्यवाद